हेलो गाइस, वेलकम टू पैरट गेमिंग। गाइस, आज का वीडियो आईसीसी ऑफिशियल ऐप के बारे में है। प्ले स्टोर से ये ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वक्त तो आपके सामने इस ऐप का जो होम स्क्रीन है वो ओपन है, और लोगो आप देख सकते हैं, लोगो भी आईसीसी का ऑफिशियल लोगो है इसमें लगा हुआ। तो इस गेम में बेसिकली होता ये है कि पहला जो आपके सामने फीचर आपको नज़र आ रहा है वो लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट में आपको वीडियोस मिलेंगी क्रिकेट से रिलेटेड। ये आप देख सकते हैं कि नीचे आपको क्रिकेट से रिलेटेड जो वीडियोस मिल रही हैं, ये बांग्लादेश प्रीव्यू है वर्ल्ड कप के, वर्ल्ड T20 क्वालिफायर्स के बारे में। उसके अलावा नीचे देख सकते हैं और भी जो टीम के व्यूज़ हैं वो नीचे दिए गए हुए हैं। नीचे मोर न्यूज़ का ऑप्शन भी है, लेकिन जो इतनी न्यूज़ हमें नज़र आ रही है यही काफ़ी इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इस फीचर में क्या क्या है। तो आप नीचे देखें, लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं। रात को इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, तो उसका रिज़ल्ट, उसके अलावा कल ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच था, उसका भी जो रिज़ल्ट है वो नीचे दिया हुआ है। तो नीचे और भी देख सकते हैं, और भी बहुत सी न्यूज़ हैं। तो सेकंड फीचर पर आते हैं, तो क्रिकेट इस सेकंड फीचर का नाम क्रिकेट है। इस पर आपको ऊपर चार ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। पहला जो है वो रिज़ल्ट्स है। तो रिज़ल्ट्स में बेसिकली जो रिसेंट रिज़ल्ट होते हैं उन्हीं का जिक्र किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बोला, इंडिया और इंग्लैंड का मैच था कल, तो इंडिया और इंग्लैंड का जो रिज़ल्ट है, और इसके अलावा जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का रिज़ल्ट जो है वो इसमें दिखाया गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि वुमन का जो रिज़ल्ट है वो भी दिखाया गया। अगर आप ऑल रिज़ल्ट पर क्लिक करें तो ये देख सकते हैं ऑल फॉर्मेट्स और ऑल टीम्स इसका जो अलग अलग करके आ जाएगा। तो ये सारे रिज़ल्ट जो हैं रिसेंट, ये सारे इसमें दिए गए हैं। बैक जाते हैं। उसके अलावा जो है अपकमिंग फिक्स्चर्स, यानी कि जो अपकमिंग मैचेस हैं उनका जो शेड्यूल है उसको जो है एक्सप्लेन किया गया। तो आप देख सकते हैं कीनिया और ये जो कौन सी टीम का मैच है, वर्ल्ड T20 क्वालिफायर्स है। तो ये आप देख सकते हैं, वुमेंस का भी है, ये सारे इसमें फिक्स्चर्स हैं। इसके अलावा आप जो टूर्स अपकमिंग या ऑनगोइंग टूर्स जो हैं उसके वो देख सकते हैं, और ऑल टीम्स ये मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि कौन सी टीम का जो है टूर जो है जा रहा है। तो वेस्ट इंडीज़ वर्सेस बांग्लादेश, आप जानते हैं कि बांग्लादेश जो इस वक्त वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है और उनका टूर जो जा रहा है। इसके अलावा इंडिया जो इंग्लैंड में है, और जिम्बाब्वे में ट्राई सीरीज चल रही है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की, और इसका जो सिर्फ फाइनल मैच जो बाकी रह गया। तो यही आपका जो लाइव है, यानी कि अभी जो चल रही है। उसके अलावा जो कम्प्लीटली है, जो प्रीवियस जो गुजर चुके हैं, वो आयरलैंड और इंडिया का है। तो इसमें प्रोबेबली सिर्फ दो T20 थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और इससे पहले इंडिया और अफगानिस्तान का एक टेस्ट मैच हुआ था, और उससे पहले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है वो ODI और T20 सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड ने, जो उसमें जिसमें वाइट वॉश किया था। तो इसके अलावा भी आप देख सकते हैं नीचे जो पिछली सीरीज़ जो गुजर गई हुई हैं उनके डिटेल्स जो दी गई हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं अपकमिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अपकमिंग में आप देख सकते हैं वर्ल्ड T20 जो क्वालिफायर हैं वो शुरू होने वाले हैं। उसके अलावा श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका जो वो कंप्लीट सीरीज़ शुरू होने वाली है, और उसके बाद जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान ODI सीरीज़ है। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो अगस्त में नैदरलैंड और नेपाल की सीरीज़ है, उसके बाद आयरलैंड और अफगानिस्तान, और फिर जो वर्ल्ड T20 क्वालिफायर्स हैं वो भी। इस तरह आप नीचे देखते जाएंगे तो आपको आइंदा जो शेड्यूल है वो देखने को मिलता रहेगा। तो वापस जाते हैं होम स्क्रीन पर, तो अब देख सकते हैं ये। इसके अलावा टूर्स के अलावा ICC इवेंट्स है, यानी कि वो इवेंट्स जिसमें ICC जो इन्वॉल्व है वो ICC इवेंट्स हैं। तो वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं जो शुरू हो रहे हैं बहुत जल्द, वर्ल्ड कप क्वालिफायर हैं। और इसके अलावा Under-19 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये सारे हो चुके हैं। और ये देखें पीछे जाएँ, ICC वुमेंस वर्ल्ड कप, तो ये पिछले साल हुआ था। उसके अलावा चैम्पियन ट्रॉफी पिछले साल भी थी, पाकिस्तान ने जीती थी। तो ये जो ICC इवेंट्स हैं जो इसमें दिए गए हैं। उसके बाद आगे वीडियोज़ हैं। वीडियोज़ मैंने, जैसा कि मैंने बताया, जो फीचर वीडियो आगे मैंने आपको दिखाई थी वही वीडियोज़ इसमें दी गई हैं। तो कुछ भी इसमें नया नहीं है, देख सकते हैं ये लेटेस्ट पाकिस्तान वीडियोज़ हैं। तो इसमें पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वीडियोज़ इसमें ऑप्शन में होंगी। तो आगे जो इम्पोर्टेंट है वो रैंकिंग है। तो इसमें देख सकते हैं टीम रैंकिंग है, प्लेयर रैंकिंग, और बाकी सारी रैंकिंग जो दी गई है। देखिए टेस्ट की रैंकिंग आप देख सकते हैं, और ये ODI की रैंकिंग भी है, मेंस टीम की रैंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो आगे जो T20 रैंकिंग जो है वो भी दी गई है। तो अब आगे देखें तो मेंस बैटिंग जो रैंकिंग है वो भी दी गई है टेस्ट में, और ODI में भी, और T20 में भी है। नीचे मेंस बॉलिंग रैंकिंग भी देख सकते हैं, टेस्ट ODI और T20 की।
तो यही चीज़ें थी। उसके बाद ऑलराउंडर्स की जो है वो भी दी गई है, और यहीं कई वुमेंस की जो है वो वुमेंस की भी यही होगी। तो आगे जो चौथा फीचर इसका वो मोर है, उसमें देखते हैं उसमें क्या है। इसमें सेटिंग है और न्यूज़ है, कुछ मीडिया रिलीज़ है ICC की जानब से, जो मीडिया रिलीज़ या न्यूज़ जो भी होती है ऑफिशियल वो इस फीचर पर डाली जाती है। और नीचे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नज़र आ रही होगी वो हॉल ऑफ फेम है। तो हॉल ऑफ फेम में जो वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड्स हैं उनको ऐड किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो न्यूली एडिड रिसेंटली ऐड किया गया है वो इंडिया के राहुल द्रविड़ और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग है, तो इनको रिसेंटली जो ऐड किया गया। आप नीचे देखते जाएंगे तो आपको जो बाकी भी है वो मिलते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं नीचे भी ये सारे जितने भी होंगे वो इधर इनको इस लिस्ट में वो इधर दिखाए जाएंगे। हाला फेमर्स जो हैं वो सारे इस लिस्ट में दिखाए जाएंगे। तो गाइज़ यही चीज़ें जिस बारे में ऐप के बारे में, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हो तो आप इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड। तो आपको जो ICC की ऑफिशियल न्यूज़ है वो इस ऐप पर मिलती रहेगी। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।